आखिर कैसे मुझे ये वाला हेलीकॉप्टर मिला अपनी इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D के अंदर, और क्या मैं इस वाले हेलीकॉप्टर को उड़ा भी सकता हूँ इस गेम के अंदर? भाई तो यस गाइस, हो सकता है आज की वीडियो मुझे न्यू हेलीकॉप्टर देखने को मिले, क्योंकि भाई लोग आज की वीडियो में भी हम मिथबस्टर्स को कंफर्म या फिर बस्ट करने वाले हैं। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले मिथ की तरफ। मित कार का गेट तोड़कर उसमें बैठने की कोशिश करो, फिर देखो बंदा कार का गेट खोलकर बैठेगा। ओके ये रही गाड़ी, सबसे पहले ना मैं इसके अंदर ऐसे चल के बैठता हूँ। और ओके इसने गेट नॉर्मल ओपन किया और नॉर्मल क्लोज किया जैसे सभी गाड़ियों पे होता है। अब मैं अपनी गन लेता हूँ और इस वाली गाड़ी का हम तोड़ते हैं गेट, लेकिन गन से मैं इसका गेट तोड़ पाऊंगा? वेट, मैं कोशिश करता हूँ तोड़ने की। नहीं, इससे कार टूट सकता है लेकिन गेट तो नहीं टूटेगा। मैं एक और 1000 डायल करके फॉर्च्यूनर को स्पॉन करता हूँ और उसको ना रैंप से यूं जंप करवाते, फिर तो इसका गेट पक्का टूट जाएगा। वो रहा सामने की तरफ रैंप, फुल स्पीड में अपनी फॉर्च्यूनर को लेके जाता हूं और वहां से जंप करवाएंगे, फिर तो पक्का गेट टूट जाएगा। ओके ओके आहिस्ता आहिस्ता फॉर्च्यूनर स्पीड पकड़ रही है और ये सामने पहुंची रैंप के और ये जंप किया, बस नीचे गिर जाए। जंप तो भाई काफी ज्यादा ऊंचा किया है, बस मैं बोलता हूँ ना यूं कांच वाला साइड जो है ना नीचे गिर जाए फिर तो ये पक्का टूट जाएगा 100%। और ये गिरा और गेट इसका नहीं टूटा। भाई इतना बड़ा जंप था, मुझे तो लगा था सार के सारी गाड़ी टूट जाएगी, लेकिन फिर भी इसके गेट नहीं टूटे। ओके एक बार फिर से ट्राई करते हैं सेम रैंप पे, इस बार और भी ज्यादा दूर से मैं इसको स्पीड में लेके जाता हूँ और इस बार तो गेट टूट जाने चाहिए क्योंकि ऑलरेडी आधी गाड़ी डैमेज हो रखी है, लेकिन फिर भी शायद इसके गेट ना टूटे। मैं फुल स्पीड में इसको लेके जा रहा हूँ, बस रैंप से ये जंप करे। ओके रैंप से इसने जंप कर दिया, इस बार तो उससे भी ज्यादा ऊपर गई है। इस बार तो मुझे लगता है ये टूट जाएंगे इसके गेट। ओके ओके गिरने वाली है, बस ये थोड़ा सा नीचे और ये गिरी। कहाँ गई गाड़ी, कहाँ गई? जा पूछ क्या भाई, फिर ऐसा ना हो दूसरी गाड़ी मुझे तोड़नी पड़े। वेट वेट वो हो रही, मुझे लगा गायब हो गई लेकिन फाइनली, और इसका गेट भी टूट गया है। ओके अब इसका गेट टूट गया है, अब हमें इसमें बैठना है और देखते हैं क्या ये गेट ओपन कर रहा है कि नहीं। भाई गाड़ी का गेट टूट चुका है लेकिन फिर भी ये बैठते वक्त गेट को ओपन कर रहा था। वेट मैं गाड़ी से एग्जिट करता हूँ, फिर एग्जिट करते वक्त भी ये ऑफ करेगा गेट को। यस भाई गाड़ी के दोनों गेट टूट चुके हैं लेकिन बैठते वक्त और उतरते वक्त ये गेट को ओपन और क्लोज कर रहा है, जबकि गाड़ी में गेट है ही नहीं। तो ये वाला मिथ कन्फर्म्ड है। मिथ, अगर आप जेसीबी को हाइड्रोलिक जैक नीचे उतारोगे और कुछ देर तक रेस मारोगे और हाइड्रोलिक जैक को ऊपर उठाओगे तो जेसीबी स्पीड में भागेगी। ओके यहाँ पर मैं डायल कर लेता हूँ 6677, जिससे आती हमारी जेसीबी आ चुकी है। अब इसके मैं अंदर बैठता हूँ, बस अब मुझे वो बटन ढूंढना है जिससे ये ऊपर नीचे होता है। कौन सा बटन है? ये तो नहीं है, शायद ये नीचे वाले बटन है, इनमें से एक है। मैं नीचे वालों पे टैप करता हूँ, शायद यस ये रहे। ओके बटन मिल चुके और मैं इसको बिल्कुल नीचे कर लेता हूँ और टायर बिल्कुल जेसीबी के ऊपर हो चुके हैं। अब हमें देनी है जेसीबी को फुल रेस, मैंने फुल रेस दे दिए और रेस देते देते उसको ऊपर कर देना है। तो मैंने जेसीबी को रेस दे रखी है और भी ज्यादा इसको रेस देते और अब शायद से टाइम आ चुका है, मैं इनको ऊपर कर लेता हूं और ये मैंने ऊपर किया। भाई ये जेसीबी तो रॉकेट बन गई है, ये सामने से कहां गए? भाई लिटरली जेसीबी की स्पीड बढ़ गई थी। वेट मैं फिर से इनको नीचे करता हूं और फिर से जेसीबी को स्पीड देते हैं। मैंने नीचे कर दिया और टायर भी इसके ऊपर हो चुके हैं, फिर से इसको फुल हमें रेस देनी है। एक्सीलेटर मैंने दबा रखा है और ये काफी ज्यादा रेस में आ चुकी है, मैं इसको नीचे कर लेता हूं। और नहीं, इस बार इतनी ज्यादा स्पीड नहीं गई। एक बार फिर से मैंने इसके पीछे वाले बिल्कुल ऊपर कर दिए, जेसीबी के टायर ऊपर, फिर से इस पे रेस देते हैं। पिछली बार शायद रेस कम दी थी इस वजह से स्पीड नहीं गई, इस बार ज्यादा स्पीड आ चुकी है इसको। अब मैं इसके ऊपर कर लेता हूँ। ओके रेडी रहना, मैं इसके नीचे कर रहा हूँ और ये किए मैंने। और भाई ये तो भाई लिटरली रॉकेट की तरह भाग रही है। वैसे तो जेसीबी इतना आहिस्ता चलती है लेकिन जब भाई हम हाइड्रोलिक को ऊपर करके नीचे कर रहे हैं रॉकेट की तरह भाग रही है। तो ये वाला मिथ कन्फर्म्ड है। मिथ, अगर आप हॉर्स के ऊपर साइकिल स्पॉन करोगे तो आपका प्लेयर गायब होके साइकिल चलाएगा। ओके मैं सबसे पहले हॉर्स को स्पॉन करता हूँ 200 डायल करके, इसके ऊपर ही 11 11 डायल करके साइकिल। ओके दोनों आ चुके हैं, मैं चलता हूँ इनके पास में, बस दोनों के ऑप्शन आ जाए, हॉर्स का आ गया और साइकिल का भी आ गया, मैं बैठ जाता हूँ। डन, मैंने दोनों पे क्लिक कर लिया और मैं साइकिल पे बैठा। भाई वो जमीन के अंदर चला गया।
अच्छा ये वो सेम है जो हमने बाइक के साथ किया था। अब मैं फर्स्ट पर्सन करूंगा तो मुझे साइकिल सामने दिखेगी। देखो ये सेम ही हमने कर रखा है लेकिन वो बाइक के साथ था और ये साइकिल के साथ है। और यस भाई तुम लोग देख सकते हो अब मेरा करेक्टर बिना करेक्टर के साइकिल चला रहा है। सॉरी मेरा करेक्टर नहीं, मैं खुद, मेरा करेक्टर तो जमीन के अंदर है। रुको ये साइकिल व्हीली मार रही है। यस ये साइकिल व्हीली मार रही है। उससे मेरा क्या फायदा? क्रेजी भाई, बाइक ने तो ऐसा नहीं किया था जैसे कि साइकिल ने किया व्हीली मारी। और हाँ एक और चीज, बाइक के साथ हमने एग्जिट किया था तो हम वॉइड में चले गए थे। मैं एग्जिट कर लेता हूँ यहाँ से और सेम यहाँ पर भी हम वॉइड में चले गए। लेकिन यस अगर हम हॉर्स और साइकिल में एक साथ बैठते तो साइकिल बिना करेक्टर के चलती है। तो ये वाला मिथ कन्फर्म्ड है। मिथ, अगर आप जंप करते टाइम पंच का बटन दबा के रखोगे तो आपका टकला हवा में फाइट करेगा। ओके, मैं एक टाइम पे जंप करूंगा और मुक्के वाले बटन पे प्रेस करके रखूंगा। मैंने जंप किया लेकिन सर से फाइट नहीं की और मैं जंप करते जा रहा हूँ और मैंने बटन को तो प्रेस करके रखा है लेकिन ये तो कुछ भी नहीं कर रहा। ये जो थोड़ा बहुत अपने सर को हिला रहा है ये तो मैं नॉर्मल जंप कर रहा हूँ वैसे भी कर रहा है। और मैं फाइट वाले बटन पे क्लिक कर रहा हूँ फिर भी सेम। देखो मैंने बिना बटन प्रेस किए जंप किए थे फिर भी सेम ही कर रहा था और मैंने बटन प्रेस कर रखा है फिर भी ये सेम ही जंप कर रहा है। लेकिन रुको, शायद से ये वाला सुपर जंप के साथ हो जाए। मैं सुपर जंप का चीट कोड डायल करता हूँ। सुपर जंप का चीट कोड है 1260। यहाँ पर मैं डायल कर लेता हूँ और हमारी लग चुकी है सुपर जंप। अब मैं जंप करता हूँ और मुख्य वाले बटन पे प्रेस करके रखता हूँ लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा। नॉर्मल जंप पे तो वो सर को अपने को जैसे करता है वैसे ही कर रहा था और इस जंप पे तो इसने कुछ किया भी नहीं। तो ये वाला मिथ बस्ट है। मित मेगा रैंप पे जाके एक ट्रोन बाइक स्पॉन करो फिर ट्रोन बाइक लेके मेगा रैंप से कूदो। गिर के स्लो मोशन के बटन बार बार दबाते रहो फिर देखो मैजिक। ठीक है मेगा रैंप में मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर 6000 डायल करके मैं ट्रोन बाइक को स्पॉन करता हूँ। इसको मेगा रैंप से नीचे खुदाना है हमें। तो मैं ट्रोन बाइक पे बैठ चुका हूँ। थोड़ा सा ही बस ट्रोन बाइक को आगे ले जाते और फिर वहां से हम जंप करते हैं। यहाँ से बस मैं इसको खुदाने वाला हूँ। मैंने खुदा दिया और स्लो मोशन वाले बटन पे भी मैं टैप कर रहा हूँ लेकिन हो तो कुछ भी नहीं रहा है। लेकिन मैं इस पे टैप करते जा रहा हूँ और अभी तक मुझे कुछ भी नजर नहीं आया है, मतलब कुछ अलग हुआ हो। फिर भी मैं टैप करते जा रहा हूँ शायद से कुछ ना कुछ हो। अभी भी मैं टैप करते जा रहा हूँ। भाई ये क्या हुआ, जमीन पे नहीं गिरी सीधा वॉइड में आ गया। अगर मैं स्लो मोशन वाले बटन पे टेप नहीं कर रहा होता तो ये जमीन पे गिरती लेकिन टेप कर रहा था इस वजह से वॉइड में आ गई। गिर रहे जी भाई। तो ये वाला मिथ कन्फर्म्ड है। मिथ, आरजीएस टूल में हेलो डालो। ओके मैं निकालता हूँ अपना आरजीएस टूल और यहाँ पर टाइप करता हूँ हेलो। डन, मैंने टाइप कर लिया। ओके करके डन करता हूँ। भाई साइड में देखो आरजीएस टूल की तरफ से हाय आया है हमें। मैं अगेन टाइप करता हूँ हेलो क्योंकि वो हेलो टाइप किया था मैंने डबल एल के साथ और इसमें एक ही एल ये चला गया। फिर मैं ओके करता हूँ, फिर से हाय। भाई मतलब हम आरजीएस टूल के अंदर टाइप करेंगे हेलो तो आरजीएस की तरफ से आएगा हाय। यार ये मुझे तो सच्ची में नहीं पता था, तुम लोगों को भी नहीं पता होगा मुझे पक्का यकीन है। कुछ ही होंगे जिनको पता होगा इसके बारे में। भाई आरजीएस टूल में हेलो टाइप करने पे हाय आ रहा है, मैंने तो आज देखा है। मेरी तरह तुम लोगों ने भी अगर आज देखा है तो बता देना। बाकी ये वाला मिथ कन्फर्म्ड है। मिथ, फायर ट्रक और जेसीबी में एक साथ बैठेंगे, जेसीबी के अंदर बैठेंगे बट फायर ट्रक का बटन आएगा। ओके मतलब सबसे पहले फायर ट्रक और जेसीबी में मैं एक साथ बैठना है तो 6677 डायल करके मैं जेसीबी स्पॉन करता हूं। अब इसके पास में ही फायर ट्रक स्पॉन करते हैं लेकिन फायर ट्रक इसके ऑपोजिट में हमें स्पॉन करनी पड़ेगी ताकि दोनों के गेट एक साथ मिल पाए और दोनों के ऑप्शन आए। तो मैंने 606 डायल कर लिया जिसे आती है फायर ट्रक। अब इन दोनों को मिला लेता हूं। अच्छा ओके, काफी हद तक मैंने इन दोनों को मिला लिया। मैं एग्जिट कर लेता हूँ, दोनों के ऑप्शन आ जाएंगे आई थिंक। फायर ट्रक का तो ऑलरेडी आ रहा है, बस जेसीबी का है। ओके दोनों के ऑप्शन आ चुके हैं, मुझे एक साथ दोनों पे क्लिक करना है। मैंने क्लिक भी कर दिया लेकिन मैं तो जेसीबी के अंदर बैठा ही नहीं, मैं तो फायर ट्रक के अंदर बैठ गया। और ये फायर ट्रक का ऑप्शन तो आ रहा है क्योंकि मैं फायर ट्रक में ही बैठा हूँ, जेसीबी में मैं तो बैठा ही नहीं। वेट मैं फिर से ट्राई करता हूँ, शायद से जेसीबी के अंदर बैठ पाए हम। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। ओके एक बार फिर से मैंने इन दोनों को आपस में मिला लिया। मैं एग्जिट कर लेता हूँ, दोनों के ऑप्शन आ चुके हैं। मैं क्लिक कर लेता हूँ दोनों पे। ओके मैंने क्लिक कर लिया और इस बार ये बैठा भी जेसीबी में लेकिन फायर ट्रक का तो ऑप्शन ही नहीं आया। अब जेसीबी का ऑप्शन आ रहा है और मैं फायर ट्रक में बैठा था तब फायर ट्रक का आ रहा था, जेसीबी में बैठने के बाद फायर ट्रक का नहीं आ रहा। मतलब हम जिसमें बैठ रहे हैं सिर्फ उसी का ही ऑप्शन आ रहा है बैठने का और इस बार हम जेसीबी में बैठे हैं तो जेसीबी का ही ऑप्शन आ रहा है, फायर ट्रक का नहीं आ रहा है। तो ये वाला मिथ बस्ट है। मिथ, आरजीएस टूल में टाइप करो न्यू हेलीकॉप्टर और आपको न्यू हेलीकॉप्टर मिल जाएगा। भाई न्यू हेलीकॉप्टर तो मुझे भी चाहिए। मैं आरजीएस टूल के अंदर टाइप करता हूँ न्यू हेलीकॉप्टर। ओके मैंने टाइप कर लिया है न्यू और यहाँ पर टाइप कर ले तो हेलीकॉप्टर।
पर अब मैं ओके करके डन कर लेता हूँ। डन करने के बाद हेलीकॉप्टर कहाँ है? मैंने आरजीएस टूल के अंदर न्यू हेलीकॉप्टर तो टाइप कर लिया लेकिन आया तो नहीं। एक सेकेंड, अब शायद से मैं हेलीकॉप्टर का चीट कोड डायल करूंगा तो मुझे न्यू हेलीकॉप्टर मिलेगा। मैं डायल करता हूँ 8000 जो कि हेलीकॉप्टर का चीट कोड है। ये तो पुराना वाला ही है। मतलब अभी तक आरजीएस टूल के अंदर ऐसा कोई भी फीचर नहीं आया है जिसमें हमें न्यू हेलीकॉप्टर देखने को मिले। लेकिन अगर तुम लोग चाहते हो न्यू हेलीकॉप्टर अपडेट में आए तो कॉमेंट्स कर दो। भाई ने बोला करने का तो करने का। तो गाइज आज के लिए कुछ इतने ही मैसेज जो कि आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताए थे। उनमें से काफी सारे मैसेज थे जो कि कंफर्म थे एंड काफी सारे मैसेज थे जो कि बस्ट थे। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कर देना। और अगर तुम लोग चाहते हो इस गेम के अंदर एक न्यू हेलीकॉप्टर एड हो तो कॉमेंट्स में न्यू हेलीकॉप्टर टाइप कर दो। और इस गेम के तुम लोग को भी कोई मिथ्स आते तो तुम लोग मुझे कॉमेंट्स में मिथ भी बता देना जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे। बाकी अभी मेरी इस गेम की और वीडियो देखनी है तो आप लोग जो पर श्योर उस पे क्लिक करो। मैं आप लोगों को वहीं पे मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।